हर्मस क्लस्टर हाउस निर्माण की मांग को लेकर गुरुवार को कांग्रेसी पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी ने जिला कलेक्टर अंशदीप को दिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान पार्षद अब्दुल कुरैशी ने बताया कि शहर में क्लस्टर निर्माण को लेकर विगत 13 वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन शासन तथा प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पार्षद कुरैशी ने जिलाधीश को बताया कि इस बाबत पूर्व में 2 स्थान चिन्हित किए गए, लेकिन प्रशासनिक कारणों से दोनों स्थान बदल दिए गए। कुरैशी ने बताया कि क्लस्टर हाउस निर्माण के लिए सरकार, प्रशासन तथा जिला स्तर से भी आदेश हो चुके हैं, लेकिन अब तक शहर में क्लस्टर हाउस का निर्माण नहीं करवाया गया है, जिसके कारण इस काम में लगे व्यापारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधीश को ज्ञापन देने वालों में सलीम कुरैशी, गफूर कुरैशी, नब्बू कुरैशी, आबिद कुरैशी तथा हसन अली आदि शामिल थे। पार्षद कुरैशी ने बताया कि मुलाकात के दौरान जिलाधीश ने शीघ्र ही इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। बुचरका ने सराटिंग को लेकर आज हमारे साथ जो इन्होंने खिलवाड़ किया, नगर परिषद ने हमारे को 6 माह का समय मांगा था, आज इन्होंने 13 साल हो गए, आज तक कोई नहीं, और अनगिनत ऑर्डर उड़ चुके हैं, उसके बावजूद नहीं, हाईकोर्ट से लेके राजस्थान सरकार से लेके DLP से लेके कलेक्टर की कोर्ट से लेके कलेक्टर से लेके संभाग आयुक्त से लेके 8-10 ऑर्डर हुए हुए हैं, 3 जमीनें बदल चुकी हैं, उसके बावजूद भी ये काम को रोक रखा। वहां कैंट ओरिया हो गया तो भाई इन्होंने कहा सबका जमीन, इन्होंने वहां गांव में जमीन देखी, फिर उसके बाद में ये गोधरा साहब ने कहा टेंची की रोंडी शिफ्ट रहेगा, जब सारे शहर का कचरा और सारी गंदगी वहां जा रही है तो वहीं शिफ्ट कर दो इनको। वो टेंडर होने वाला था, इन्होंने टेंडर में राजनीति करके टेंडर को रुकवा दिया। लेसिन की आज पिछले 3 साल से फीस जमा नहीं हो रही, इसलिए जिलाध्यक्ष महोदय से 2-3 दफे मिल चुके हैं, सरकार से भी बजट के लिए हमने, हमारे समाज ने और मेरे क्या नाम लेटर बेट पे इस बजट को भी अलग से मांगा गया ताकि ये शहर से गंदगी चली जाए और शहर का विकास हो, इसलिए आज निवेदन किया कलेक्टर साहब से, इन्होंने कहा भाई कमिश्नर साहब से मिल लेना 2-3 दिन के अंदर, आपका मसला है जल्द से जल्द हल होगा, हमने जो डायरेक्टर साहब से बात कर ली है।